Diresha Tanda, Sorik Sutik Sendak Discovery. Joshi di tolia da tamshet nangetso di tananganzo, Dr. Ege Raiganangre, Dr. Ege Raiganzo de Tatsula Lobnian Kangi Sori de Zen Nanglolia, Shimjugi Leropache, the name Yamduya Tandanganzo da Denshugi Lobengi Chale Nanguore, or Dice, any danda Konanda, any danganzo, Sori Rigdigenze. Rigdigenzi, Kerembuche Kunin Yamru Gutonia, Talomang Rilia, Sori Gita, Me Kashe Dindeta, and then Ne Kashe Tolia, Shimju Nanche, and your Dumde Chung Shako Dikolia, Tabeje Tamshe Nayat of Shresha, Dinde Indinegi, Gelada, Doctor Rai Nilia, Ya Peronas, Acha, Up Karenge, Tiki, I yes, sir. So little Mapne. सबको धन्यवाद देता हूं अपने संकाय अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष कार्यकारी विभाग अध्यक्ष एवं बाहर से आए हमारे आगंतुकों का स्वागत है विभाग की तरफ से रोल ऑफ सोरिकपा हर्बल कंपाउंड डायबिटीज डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही पूरे विश्व की और यह केवल एक हेल्थ ही समस्या नहीं बल्कि सोशल प्रॉब्लम भी होती जा रही है और डायबिटीज जिस तरह से बढ़ रहा है इसके लिए बहुत तरह से हमको रिसर्च या इसपे मेडिसिन खोजने की जरूरत है तरह तरह की मेडिसिन पूरे विश्व में व्याप्त है कोई कुछ खा रहा है कोई कुछ खा रहा है तो हमारे विभाग ने क्योंकि डायबिटीज़ पे बहुत सी औषधियों के बारे में ऑलरेडी सोरिकपा में मेंशन है तो क्योंकि ये औषधियों के बारे में विवरण हजारों वर्ष पूर्व का है तो अभी क्या हम लोग कर रहे हैं कि उनको वर्तमान समय में उसके इफेक्टिवनेस को री एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा था तो मेरे विभाग में प्रोफेसर लोकसान तेंजिन डमडू दुर्जल दुर्जेरा तासी दावा आदि लोग सभी लोग के एक सहयोग से पैथोलॉजिकल सहयोग के सहयोग से एक क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च किया गया अभी इसके पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखे थे क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च ये है इस रिसर्च में रोल ऑफ सोरिकपान हर्बल कंपाउंड वैसे तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर के व्हाट इज डायबिटीज डायबिटीज इज अ डिजीज विच अफेक्ट्स योर बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इंसुलिन इज ए हार्मोन व्हेन योर बॉडी टर्न्स द फूड यू ईट इनटू एनर्जी आल्सो कॉल्ड सुगर और ग्लूकोज Insulin is released to help transport this energy to the cells. Insulin acts as key. Its chemical message tells the cell to open and receive glucose. If you produce little or no insulin or insulin resistant, too much sugar remains in your blood. Blood glucose levels are higher than normal for individuals with diabetes. Diabetes स्वाभाविक रूप से इंसुलिन की डिसबैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है सोरिकपा पॉइंट ऑफ डायबिटीज इंक्लूडेड एमंग क्रॉनिक डिजेनरेटिव यूरिनरी डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आल्सो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया कि प्रमेह की बात कर दी जाती है उसी तरह से मुझे सोरिकपा में भी जो है यूरिन को ही क्योंकि एनर्जी यूरिन के थ्रू एनर्जी लॉस की बात होती है इसलिए तीन तरह के डायबिटीज ऑलरेडी मिलते हैं टाइप वन डायबिटीज टाइप वन डायबिटीज वंस कॉल्ड ज्वेलाइन डायबिटीज is often diagnosed in children or teens. This type accounts for 5 to 10% of people with diabetes. Type 2 diabetes is commonly called adult onset diabetes since it is diagnosed later in life, generally after the age of 45. It accounts for 90 to 95% of people with diabetes. Other forms, gestational diabetes occurs during pregnancy and affects about 18% of our pregnancy according to the American Diabetes Association. हमने इस टॉपिक को टाइलेट क्यों सेलेक्ट किया टुडे डायबिटीज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड डायबिटीज इज ए ग्रोइंग चैलेंज इन इंडिया विद एस्टीम्ड 8.7% डायबिटिक पॉपुलेशन इन द एज ऑफ 20 टू 70 ईयर्स टाइप 2 डायबिटीज विल राइज बाई मोर देन 20% वर्ल्ड वाइड ओवर नेक्स्ट 12 ईयर्स उसका रेशियो देखिए तो 2000 में लाइक बांग्लादेश 31,96,000 जो इंक्रीज करके आफ्टर 2030 में 1,11,40,000 हो जा रहा है आप इंडिया में देखिए तो अभी वर्तमान 3,70,00,000 अप्रॉक्सीमेट 7,94,00,000 तो ये इंक्रीज कर रहा है जो डायबिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ इसलिए डायबिटीज़ पर रिसर्च करने की सिर्फ बहुत आवश्यकता है टोटल में यदि देखा है तो 4,69,00,000 जो
2030 में 11 करोड़ हर्बल कंपाउंड बोटेनिकल बैलेंस। सोरिपा में आमतौर पे और भी हर्बल मेडिसिंस में होते हैं, सिंगल हर्ब्स की बड़ी तेज़ी से लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जहाँ तक सोरिपा का प्रश्न है, वो कंपाउंड पे काम करना चाहता है। कंपाउंड का एक अपना अलग एक्शन है, तो हर्बल कंपाउंड बोटेनिकल बैलेंस, हर्बल कंपाउंडिंग एज ऑल्सो आर्ट, दवाओं के मिक्सचर करने के क्या क्या कितने मात्रा में मिलाना, ये अपने आप में एक आर्ट है। हर कंपाउंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस हर्ब्स इन बैलेंस फार्मूला टू ट्रीट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आर टू एक्ट एज ए होल बॉडी सिस्टम टॉनिक। सम फार्मूलाज पर्टिकुलरली इन सोरिपा हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, विच इज क्वाइट अ टेस्टामेंट ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। द एम ऑफ हर्बल कंपाउंडिंग इज नॉट ओनली टू ईज सिम्टम्स एंड क्योर द पेशेंट, बट ऑल्सो टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज एंड रीबैलेंस द बॉडी सो दैट लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ कैन बी अटेंड एंड मेंटेन्ड। मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, इसके लिए हम लोगों ने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया, बेसिकली ये एक ग्रुप वर्क था, हमने आसपास के एरिया से पेशेंट्स को कलेक्ट किया। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च में पेशेंट्स आते हैं, कुछ दवा लिए फिर चले जाते हैं, तो खैर एक टाइम लगा इसमें। फिर भी इसमें जो हमने मेथोलॉजी यूज़ की है, वो द मेन एम ऑफ द प्रेजेंट स्टडी इज टू री एस्टैब्लिश द एंशियंट टेक्निक्स ऑफ थेरेपी एंड मेडिसिन ऑफ सोरिपा, ऑल्सो टू एनालाइज साइंटिफिकली इट्स इफेक्ट्स एंड फाइंड आउट एज टू हाउ दिस मेडिसिन कैन बी असिस्टेंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ इन ग्लोबल सिनेरियो। नंबर ऑफ पेशेंट्स 36, हमने दो मेडिसिन लिया है और एक नॉर्मल कंट्रोल को लिया था। 36 मेडिसिन ए में, 36 मेडिसिन बी और 20 नॉर्मल कंट्रोल के पेशेंट रखे गए। फर्स्ट फॉलोअप 45 डेज पे, सेकंड और लास्ट फॉलोअप हमने 90 डेज पे किया था। 90 डेज के फॉलोअप की स्टडी किया गया है। जो मेडिसिन ए है, इसमें आंवला, हल्दी, गोचरू, नीम, सदाबहार, जम्बू, पिपली, शिलाजीत, दारू हल्दी, और मेडिसिन बी जो ग्रुप था उसमें लौह भस्म, शिलाजीत, सूरमा, सफ़ेद, प्रियंगो, पुष्कर मूल, कुसुम फूल, कुरकुरी, ये दो मेडिसिन ग्रुप थी। ये दोनों मेडिसिन ग्रुप को पेशेंट्स को अलग अलग दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, कोशिश की गई कि मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हुए मेडिसिन को बनाया गया है। टिपिकली टिबेटियन मेडिसिन वेयर फॉलोड स्ट्रिक्टली आफ्टर सेलेक्शन ऑफ फार्मूला, फिक्सेशन ऑफ डेट्स अकॉर्डिंग टू शास्त्रास for the collection of various herbs, used to traditional methods for grinding, mixing, etc., extreme care for purify and hygiene during the mixing, etc., handing over medicine to the experimenter after the making of medicine according to the dates mentioned in shastras. Prototype research, first of all research pro forma, sabse pehle humne ek research pro forma kiya, aur research pro forma mein बहुत से वेरिएबल्स जो भी ह्यूमन से रिलेटेड वेरिएबल्स हो सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, उन वेरिएबल्स को हमने इस प्रोफार्मा में इंक्लूड किया। डायबिटीज़ पेशेंट्स कीपिंग अ व्यू प्रिवेलेंट सिम्टम्स डायबिटीज़ में, नेम, एज, हाइट, वेट, नेचर, पल्स, फिर डायग्नोसिस के लिए हमने यूरिन एनालिसिस किया, आई कलर, यूरिन कलर, एंग्जाइटी लेवल, ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग पीपी, हीमोग्लोबिन, एपेटाइट, बहुत ही जितने भी सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं उन सारे सिम्टम्स को, लगभग नियर अबाउट हम 25-30 सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें हमने प्रोफार्मा में रखा। सेलेक्शन ऑफ पेशेंट वॉज डन बाई पिकिंग अप द रेगुलर विजिटर्स टू द इंस्टीट्यूट क्लिनिक, पेशेंट्स डेलिंग इन द नियर बाई एरिया, पीपल एक्वाइंटेड विद एक्सपेरिमेंटर्स एंड डॉक्टर्स, पेशेंट्स वेयर ऑफ द नियर बाई टाउन फ्रॉम द टिबेटन कम्युनिटी। इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किसी भी रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम अपने रिसर्च के प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बहुत से वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, इसके लिए हमको इंक्लूजन क्राइटेरिया पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो हमने एज के तौर पर स्टडी इंक्लूडेड पेशेंट्स 30-80 ईयर्स, सेक्स में बोथ सेक्स लिया गया, कम्युनिटी में इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड टिबेटन्स, एरिया में रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, रिफ्यूजी एरियाज एंड सेलेक्टेड, हेल्थ में डायग्नोस पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ 2, हमने डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 3 अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ को नहीं लिया था। एक्सक्लूजन में द पेशेंट ऑफ लेस देन 30 ईयर्स एंड नॉट अबव 80 ईयर्स,
health type A diabetic and other type of serious patients were not included in the study. Also, A insulin dependent, 10 years of modern medicine dependent, not more than 10 years of chronicity. Parameters used. हमने इसमें लगभग 6 डिवीजन के पैरामीटर्स यूज़ किए थे. डेमोग्राफिक रिस्पॉन्स लेने के लिए एज 6 आदि लिया गया. सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स पे 3 ग्रेडिंग स्केल के आधार पर उनके रिस्पॉन्स लिए गए. फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, पैथोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आल्सो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट लेवल एंड स्ट्रेस रेटिंग स्केल के यूज़ किया गया था. फिर पेशेंट्स ओपिनियन लास्ट में लिया गया कि आफ्टर ऑल द पेशेंट्स का क्या चाहें, कि खुद की ओपिनियन क्या है. क्राइटेरिया फाइनल असेसमेंट. Each subject was graded on the basis of response. Then the results were reached at on the basis of statistical calculation. The study based on 3 groups, that is why the research was perceived on the basis of a study of factorial design. जब 2 से अधिक हम variables को check करते हैं तो उसमें factorial design का use करते हैं. All the instruction of factorial design were followed up on so that the study remains purely scientific, for that is selection of patients, selection of medicines, data collection, statistical calculation. The difference of mean was examined by ANOVA test, chi-square test, and to examine the validity of differentiation of mean by the test was used significance at the level of 0.05 to 0.01. Procedure of study mein isme dekha, patient liya gaya. फिर पेशेंट के साथ जो है ट्रीटमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के साथ ग्रुप किया गया, फिर और फिर दोनों का फॉलोअप ले करके फिर हमने देखा, स्टडी किया, फिर कंपेयर किया. इसी तरह से 2-3 ग्रुप हमारे थे, कंट्रोल ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप. एक बार तो कंट्रोल के साथ ए को किया, फिर बी को कंट्रोल के साथ किया, फिर कंपेयर किया ए वर्सेस बी के साथ. पेशेंट ट्रीटमेंट ए ग्रुप, पेशेंट ट्रीटमेंट बी. अब ये हम कुछ चीज़ें हैं जो ग्राफ से शो कर सकते हैं. एज ग्रुप, एज ग्रुप में लिया गया था, बहुत से हैं लेकिन 51 से 60 ईयर्स के पेशेंट्स ज़्यादा मिले थे हमको, नियर अबाउट 52.8%. ये मेडिसिन ए में भी था, मेडिसिन बी में भी 51 से 60 के थे, और नॉर्मल कंट्रोल भी 51 से 60 ईयर वाले को हम मैक्सिमम लिए गए. फिर सेक्स में मेल पेशेंट्स ज़्यादा मिले. आई कलर में रेड, येलो, इस तरह के कलर डायग्नोसिस के समय नहीं मिले, बल्कि अदर टाइप्स ऑफ आई कलर के पेशेंट्स हम मिले थे. अब ये क्यों हो रहा था इसके बारे में जो है और डिटेल स्टडी या स्वयं एक्सपर्ट्स बता सकते हैं ज़्यादा. फिर टंग कलर में वाइट टंग कलर डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा पाया गया. यूरिन स्मेल, ज़्यादातर नॉर्मल यूरिन स्मेल 41.66%, ए में भी नॉर्मल 30, और इनडाइजेस्टिव भी ज़्यादातर पाए गए थे 63.33. पल्स डायग्नोसिस में कफस पल्स के पेशेंट्स ज़्यादा मिले थे. अब एंग्जाइटी ट्रेट स्कोर आफ्टर ट्रीटमेंट, एंग्जाइटी 3 तरह की एंग्जाइटी, स्टेट ट्रेट और न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है. ट्रेट एंग्जाइटी जो खुद की क्वालिटी होती है पेशेंट की, आफ्टर द ट्रीटमेंट मैंने आफ्टर 90 डेज मीन वैल्यू प्लस माइनस SD 79.31 डिक्रीज करके 64.86 तक आया है आफ्टर द ट्रीटमेंट. मेडिसिन बी में भी डिक्रीज किया, लेकिन उस लेवल पर 59.92 ओनली 59. नॉर्मल कंट्रोल में बहुत स्लाइट चेंजेस आए हैं आफ्टर 90 डेज. फिर ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड फास्टिंग आप देखिए मीन वैल्यू SD टू आफ्टर 90 डेज 240.68 डिक्रीज 152.81 आफ्टर 90 डेज ये डिक्रीज किया है. फिर मेडिसिन बी में जो है वो डिक्रीज 215.84 179.57 आफ्टर 90 डेज डिक्रीज. तो अगर आप देखिए कॉम्बिनेशन कीजिए तो मेडिसिन ए मोर इफेक्टिव लग रही है इसमें. ब्लड शुगर फास्टिंग नॉर्मल कंट्रोल में लिटिल बिट चेंजेस ड्यू टू टाइम ड्यूरेशन. ब्लड शुगर फास्टिंग
तो अगर आप देखिए तो ये मीन एसडी आप देखिए मीन वैल्यू 151.13, फर्स्ट फॉलो अप 128, सेकेंड फॉलो अप देखिए 85.10, और ये दिया गया तो टी वैल्यू देखिए टी स्कोर 13.68 एंड टी वैल्यू 0.001, हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट फास्टिंग ब्लड शुगर में आफ्टर द मेडिसिन 90 डेज। इसी तरह मेडिसिन बी का आप देखिए 165.31, 130 चेंज इसमें आता है, हमारे मेडिसिन बी ग्रुप में भी चेंजेस है लेकिन हाईली सिग्निफिकेंट ही आया है, बट ए मेडिसिन में ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट पाया गया रिजल्ट नॉर्मल कंट्रोल में। फिर हमने कंपेयर किया था बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन बायोनेवा ए वर्सेस बी को भी देखा था, इसमें भी पी वैल्यू हाईली सिग्निफिकेंट आई। फिर ब्लड शुगर पीपी मीन वैल्यू 240.68 आफ्टर 90 डेज 152.81, फिर मेडिसिन बी में 215.84 179.57, 200 ये नॉर्मल कंट्रोल में लिटिल बिट चेंज है बट टाइम ड्यूरेशन से कुछ समथिंग इंक्रीज कर गया ब्लड शुगर पीपी उनका। अब ब्लड शुगर पीपी में देखिए मीन मेडिसिन ए ग्रुप 240.68 मीन एसडी वैल्यू है, मीन वैल्यू डिक्रीज कर रही है आफ्टर 45 201 एंड आफ्टर 90 डेज मीन प्लस माइनस एसडी जो है 152.81, हाईली सिग्निफिकेंट 0.001 पे पाया गया रिजल्ट। मेडिसिन बी में भी रिजल्ट पाया गया बट जो कंपेयर किया जाता तो ए वर्सेस कंट्रोल ग्रुप हाईली सिग्निफिकेंट ज़्यादा पाया गया और नॉर्मल कंट्रोल में नॉट सिग्निफिकेंट। हीमोग्लोबिन 10.9 हीमोग्लोबिन आफ्टर द मेडिकेशन आफ्टर 90 डेज लिटिल बिट इंक्रीज करता है, जब शुगर वैल्यू मेंटेन रही तो फिर हीमोग्लोबिन फिर मेडिसिन बी में लिटिल बिट चेंज आया। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेडिसिन ए में 137.78 लिटिल बिट डिक्रीज कर रहा है और 128.64, मेडिसिन बी में थोड़ा चेंज है नॉर्मल कंट्रोल में नो चेंज ओनली 0.5, डायस्टोलिक 103.39 एंड 94.03, मेडिसिन बी में डायस्टोलिक में भी लिटिल बिट चेंज नॉर्मल कंट्रोल। इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इन व्यू ऑफ पेशेंट्स मेडिसिन ए में 55.55% लोगों ने बताया वेरी इफेक्टिव, 90.44 बोला मोर इफेक्टिव। मेडिसिन बी को ज़्यादातर लोगों ने नहीं इफेक्ट पाया था। अंदर सेल द कंपाउंड ऑफ ए इज मोर क्यूरेटिव एंड सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव मेडिसिन फॉर डायबिटीज टू। अब इस रिसर्च से रिलेटेड इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन, क्योंकि हमने ऐसे तो मेरे पास बहुत से ज़्यादा पैरामीटर्स है इस प्रेजेंटेशन के लिए, हमें नियर अबाउट 70-80 वेरिएबल्स इस रिसर्च में यूज किए गए हैं जिनका बिफोर एंड आफ्टर स्टडी की गई है, बट यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ही आपको सामने रखा है। थैंक यू डॉक्टर ए के राय।